हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज टेकटॉक के डेली टेक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज की टेक न्यूज स्टार्ट करते हैं। जो भाई टेक न्यूज आ रही है टाटा ग्रुप की ओर से आ रही है। टाटा ग्रुप ने मोबाइल फोन और उनके कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और एक गवर्नमेंट की PLI स्कीम के तहत किया गया है। जो कि टेक न्यूज आ रही है सैमसंग की ओर से आ रही है। सैमसंग के S20 प्लस और S20 अल्ट्रा की ऑनलाइन फोटो लीक हो गई है। जो S21 अल्ट्रा है उसमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर होगा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होगा और 2 टेलीफोटो लेंस होंगे। और इसमें जो पहला टेलीफोटो लेंस होगा वो 2x जूम के लिए होगा और जो दूसरा टेलीफोटो लेंस होगा वो पोर्ट्रेट शॉट के लिए होगा। जो कि टेक न्यूज आ रही है सैमसंग की ओर से आ रही है। सैमसंग के सैमसंग गैलेक्सी A52 5G स्मार्टफोन के सारे स्पेक्स से ऑनलाइन लीक हो गए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि 6.5 इंच के इन्फिनिटी ओ वाली डिस्प्ले होगी। स्नैपड्रैगन 750G का चिपसेट होगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। इसमें 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप होगा और एक प्लास्टिक बैग के साथ आएगा। जो कि टेक न्यूज है वो लावा की ओर से आ रही है। इंडियन कंपनी लावा के एक स्मार्टफोन के लुक और स्पेक्स दोनों ऑनलाइन लीक हो गए हैं। इसमें 13+2 मेगापिक्सल का रियल कैमरा सेटअप होगा, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी और 4060mAh की बैटरी होगी और जो इसकी प्राइस है 7777 लीक हुई है। जो कि टेक न्यूज आ रही है सैमसंग की ओर से आ रही है। सैमसंग के सैमसंग गैलेक्सी F62 के रियल पैनल की फोटो ऑनलाइन लीक हो गई है। इसमें स्क्वायर शेप कैमरा सेटअप होगा। जो कि टेक न्यूज है वीवो की ओर से आ रही है। वीवो की X60 सीरीज वो 28 दिसंबर को चाइना में लॉन्च होने वाली है। जो कि टेक न्यूज है Xiaomi की ओर से आ रही है। मी और पोको की BN59 मॉडल नंबर के साथ एक बैटरी इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन में लिस्ट हुई है। जो कि टेक न्यूज है मोटोरोला की ओर से आ रही है। मोटोरोला का एक स्मार्टफोन मोटो जी स्टाइल अमेजन की वेबसाइट में लीक हो गया है। जो कि टेक न्यूज है गेमर्स के लिए, हालो इन्फाइनाइट गेम मार्च अप्रैल 2021 में PC और XBOX में लॉन्च हो सकता है। जो अगली टेक न्यूज है क्रिएटिव की ओर से आ रही है। क्रिएटिव कंपनी ने आज अपने साउंड बार और साउंड वूफर को लॉन्च कर दिया है। इसकी जो प्राइस है 9999 रुपये रखी गई है और ये दिसंबर के 3rd वीक में सेल के लिए अवेलेबल होंगे। जो अगली टेक न्यूज आ रही है Xiaomi की ओर से आ रही है। Xiaomi और Redmi के कई स्मार्टफोन 108 मेगापिक्सल कैमरे के साथ नेक्स्ट ईयर लॉन्च हो सकते हैं। जो अगली टेक न्यूज है वो VI और Airtel की ओर से आ रही है। एयरटेल ने सितंबर में 3.8 मिलियन यूजर्स ऐड किए और वहीं VI ने 4.7 मिलियन कस्टमर अपने खो दिए हैं। थैंक यू। यदि आपको आज की मेरी टेक्निक पसंद आई हो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।